गुड आफ्टरनून, लेक्चर नंबर फोर्थ है, क्लास प्लस टू चैप्टर 11 डिफरेंशियल इक्वेशन। तो फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन कर लेते हैं, सिक्स्थ का सेकंड करा रहा हूँ, कल सेवंथ क्वेश्चन कराया था, आज सिक्स्थ के सेकंड में एक डाउट पूछ रहे हैं। एक्स स्क्वायर सर्कल की जनरल इक्वेशन है ये, प्लस वन की टू एफ वाई सी इक्वल टू जीरो। सर्कल में तीन अननोन होते हैं, सेंटर भी और रेडियस भी। इसका सेंटर होता है माइनस ई माइनस एफ, आर्बिटरी कांस्टेंट, और रेडियस होता था आर। तो ये जनरल इक्वेशन होती थी, सोचो जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी आर, इसका रेडियस होता था। हियर जी एफ कॉमा सी आर थ्री आर्बिटरी कांस्टेंट है, ना तीन से कम बार ना तीन से ज्यादा। खत्म क्या करना है हमको, जी निकालना है, एफ निकालना है और सी हटाना है। आंसर शुड बी फ्री फ्रॉम आर्बिटरी कांस्टेंट। अगर मेरे को डिफरेंशिएशन की इजाजत दो तो डिफरेंशिएशन सीधा कर देता हूँ, एक्स स्क्वायर की टू एक्स, वाई स्क्वायर की टू आ गई, पावर कम डी वाई बाई डी एक्स, टू जी एक्स की होती है वन, टू एफ वाई की होती है डी वाई बाई डी एक्स। ये एक बार डिफरेंशिएट करके आ रहा है, थोड़ा इम्प्रोवाइज कर दे, सी की जीरो, टू को बाहर लेके उधर खत्म ही कर दूँ, तो टू इधर चला गया, एक्स प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स, जी प्लस एफ डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू जीरो। तो यहाँ कितने आर्बिटरी कांस्टेंट अभी भी खड़े हैं उससे कोई मतलब नहीं, मतलब क्या चीज़ से है कि हमने कितनी बार डिफरेंशिएट कर चुके हैं। तो दो बार हमने इसको अभी तक, एक बार डिफरेंशिएट किया तो मेरे पास ये बने, अगेन डिफरेंशिएट कराऊंगा एफ डी वाई बाई डी एक्स, इसको मान लूंगा सेकेंड, इसमें लगेगा मेरा यू इंटू वी, अगेन डिफरेंशिएट कराऊंगा किसके विद रिस्पेक्ट टू एक्स के, तो एक्स की डिफरेंशिएशन वन, फर्स्ट वाई कल भी आया था डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस सेकेंड डी वाई बाई डी एक्स, वाई की आएगी जी की डिफरेंशिएशन जीरो, एफ बाहर कांस्टेंट है, डी वाई बाई डी एक्स की होगी डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू जीरो। तो मैंने डिफरेंशिएट कराया, आप आराम से जैसे आप करते हो वैसे कर लीजिएगा, तो मेरा जो बनेगा वो ये बनेगा, वन प्लस वाई डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर प्लस एफ डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू जीरो। अब इसको अगेन डिफरेंशिएट करा दीजिए, एक बार फिर से डिफरेंशिएट करा दीजिए विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये कितना आ गया थर्ड। जब दोबारा डिफरेंशिएट कराओगी वन की क्या होगी जीरो, फिर इसमें लगेगा फर्स्ट, इसमें लगेगा सेकंड, फर्स्ट आएगा वाई, फिर डिफरेंशिएशन सेकंड डी बाई डी एक्स और डी टू वाई बाई डी एक्स के प्लस सेकेंड फिर मैंने इसको डिफरेंशिएट करना है, पावर आगे होल पावर रूट टू आगे एक पावर कम डी वाई डी एक्स और डी वाई बाई डी एक्स, ये मैंने डिफरेंशिएट किया हुआ है किसको, डी वाई बाई डी एक्स के होल स्क्वायर को होल पावर रूल से प्लस एफ बाहर आ जाएगा डी बाई डी एक्स, जिसको सीधा आता है तो उसको डिफरेंशिएशन में ऐसे खेलने की जरूरत नहीं है, सीधा कर ले, स्टेप बचाना बचा लो, जिनको नहीं आता वो खेलते रहो, फर्स्ट डिफरेंस सेकेंड सेकेंड डिफरेंस फर्स्ट, फिर इसकी पावर आगे पावर रूल लिखते रहो, एक पावर कम जिससे बीच में लेगा, जिसको आता वो सीधा ऐसे कर सकता था क्या, तो ये आ जाएगा आपके पास वन की जीरो वाई डी टू वाई बाई डी एक्स की डी थ्री वाई बाई डी एक्स की, जिसको नहीं आता हूँ यहाँ से देख लो प्लस डी टू वाई बाई डी एक्स की डी वाई बाई डी एक्स, वैसे ये थ्री टाइम्स हो जाएगा, थ्री टाइम्स ये थ्री टाइम्स हो जाएगा, चलो कोई बात ही नहीं लिखता तो आगे लिख जाएगा आपको, टू डी वाई बाई डी एक्स इंटू डी टू वाई बाई डी एक्स की प्लस एफ डी थ्री वाई बाई डी एक्स की
इक्वल टू जीरो, दो टाइम ये हो गया और एक टाइम ये हो गया, तीन टाइम हो गया। ब्रैकेट में टू भी तो चला था वहाँ। कौन सा वाला टू? ये वाला? हाँ जी। ये तो जीरो के तो चला गया। जे टू सबके साथ चल रहा था, मैंने सबसे कॉमन निकाल लिया, फिर इसको आगे लेके जाने का फायदा नहीं था ना, क्या फायदा नहीं, क्योंकि टू को लेना ले जाओ, टू ने बाद में खत्म ही जाना, राइट हैंड साइड आपकी जीरो थी। ये क्या हुआ टू? बस वो मैंने हटा ही दिया, फिर सीधा कर दिया उसको। ये दोनों जुड़ जाएंगे सोचने का, तो स्टेप बच जाएगा। अब तीन बार डिफरेंशिएट करना था, तीन बार हो गया, तीन से ज्यादा बार नहीं करना, तीन बार करना, तीन ही ऑर्बिटरी कॉन्स्टेंट, तीन बार कर दिया। तो ये ऐड हो रहे तो मैं ऐड कर देता, थोड़ा छोटा हो जाएगा, बाकी आपकी मर्जी है। कुछ बच्चे इसमें और डायरेक्ट लगा सकते हैं, सीधा बीच में कुछ स्टेप खत्म कर सकते हैं, जैसे टू कॉमन आया, इसके बाद सीधा ये लिख लो, वो अपने आप ही ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगा, पता ही होता है कैसे हो रहा है। डी वाई बाई डी एक्स है, डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, एफ डी थ्री वाई बाई डी एक्स क्यूब इक्वल टू जीरो। अब सिर्फ एक ही ऑर्बिटरी कॉन्स्टेंट खड़ा दिख रहा है और वो है एफ, ये हटाना पड़ेगा, बिल्कुल हटाना पड़ेगा, एफ को हटाए बिना आंसर नहीं आएगा। तो कैसे हटाऊं? यह आ गया मेरा फोर्थ, तो एक एक टाइम एक मन ये कहता है यहाँ से एफ निकाल लेता हूँ, इसको उधर ले जाके और यहाँ पुट कर देता हूँ, यहाँ भी एक ही एफ है, 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 बाकी की जरूरत ही नहीं है, जहां पे ये जी है और यहाँ पे सी है, इसकी जरूरत ही नहीं है। तो हटा लो, चाहे यहां से निकाल के यहां पुट करा लो, यहां से निकालना यहां से निकालो, जैसे आपकी चॉइस है। मैं फ्रॉम थ्री से निकाल रहा हूं, आप बोलोगे क्यों यहां से निकाल लो, वो तो आपकी चॉइस है, यहां से निकालना है यहां से निकाल लो, कोई ऑब्जेक्शन नहीं। एफ इक्वल्स टू एफ के साथ ये लगा, वो डिनोमिनेटर में चला जाएगा, समझ में आ जाता है। तो डी थ्री वाई बाई डी एक्स क्यूब इक्वल टू ये उधर चला गया। F की बारी आएगी, थ्री डी वाई बाई डी एक्स, अब इसे F की वैल्यू कहां पुट करा दो, थ्री में पुट करा दो, थ्री में आंसर गैप पे निकाल दूंगा, बिल्कुल आंसर तो कुछ जाता मुझे पूछेगा कैसे, देखो जरा यहाँ जगह चाहिए होगी रख करो, तो ऐसे निकालना है और क्या। इस एफ की वैल्यू को यहां पुट करो, वन प्लस वाई डी टू वाई बाई डी एक्स के, डी वाई बाई डी एक्स का हो उसके, एफ की वैल्यू यहां पुट करा, माइनस वाई डी थ्री वाई बाई डी एक्स क्यू, थ्री एफ की वैल्यू पूरी पुट कराऊंगा जितनी दिख रही है आपको, ये भी बताने की जरूरत पड़ेगी क्या, डी थ्री वाई बाई डी एक्स क्यू इनटू भी लगेगा क्योंकि ये तो सिर्फ एफ की वैल्यू पुट हुई है, ये तो सिर्फ एफ की वैल्यू पुट हुई है, पर एफ के साथ क्या लगा हुआ है ये कहां जाएगा, इक्वल टू जीरो। अब ठीक, वो तो आपको क्या बताना है, एफ की वैल्यू यहां से उठा के पुट इन थ्री में तो समझ में नहीं आती, वो कैसे पुट करोगे, एलसीएम ले लो और उधर ले जा रहा हूं क्रॉस मल्टीप्लाई, दो स्टेप इकट्ठे कर रहा हूं, एलसीएम एंड क्रॉस मल्टीप्लाई, चलो सबका एलसीएम लूंगा क्रॉस मल्टीप्लाई, ये पहले से मल्टीप्लाई होगा तो कितना आएगा, डी थ्री वाई बाई डी एक्स क्यू प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर,
डी थ्री वाई बाई डी एक्स माइनस वाई डी थ्री वाई बाई डी एक्स क्यूब इंटू दिस, ये भी ब्रैकेट फोर है, डी थ्री वाई बाई डी एक्स क्यूब डी टू वाई बाई डी एक्स क्यूब माइनस थ्री डी वाई बाई डी एक्स डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर इक्वल टू जीरो, एलसीएम था क्रॉस मल्टीप्लाई के साथ हो गया। एक इसमें से जरूर कटना चाहिए, कट रहे तो आंसर इसका अंदर ठीक है। आंसर देख लो पीछे बुक का यही आ रहा है कि नहीं, नाइन्थ है। मैं भी चेक कर लेता हूँ, आप लोग भी चेक कर लो, ये सिक्स के सेकंड का पूछा था। इन दोनों में से उसने dy by dx को d3y by dx क्यूब कॉमन लिया हुआ है, कहीं बोलो सर बाद में आंसर ही नहीं आया, कॉमन ले लो तो क्या आएगा, 1 plus dy by dx का होल स्क्वायर। सोचो इन दोनों से कॉमन लिया हुआ है, कितना वाला d3y by dx क्यूब, अब देखना कहीं सोचो आंसर ही नहीं आया सर, इतने के लिए दोबारा करवा लो। फिर माइनस थ्री डी वाई बाई डी एक्स का स्क्वायर का होल स्क्वायर इक्वल टू जीरो, ये आंसर है अभी इसका। नाइन्थ है, कैसे पुट कराना है वो तो आप देखो, मैंने तो कराया क्रॉस मल्टीप्लाई भी इकट्ठी करा दी मैंने, क्वेश्चन लेंथी होता है थोड़ा सा, उसे दो स्टेप इकट्ठी एफ की वैल्यू उठा के यहाँ पुट करा दें, हटाना है बस एफ अपने आप ही, सोचो तो हटा देंगे। सर्ट्स फ्रैक्शन में डी वाई बाई डी एक्स नहीं होना चाहिए, डिनोमिनेटर में था तो मैंने हटाया है, कैसे एलसीएम से, फिर नीचे बचेगा इधर जीरो तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी जो बच गया वो आंसर। ऑर्डर देखना तो देख लो, सबसे बड़ा तीन बार डिफरेंशिएट हो रहा है, डिग्री इसकी होल पावर वन है, वन लीनियर है नॉन लीनियर है, नॉन लीनियर क्यों, भाई भाई हैं जरूर, क्या भाई भाई, यही भाई भाई, डी वाई बाई डी एक्स का स्क्वायर डिपेंडेंट डिपेंडेंट वाई वाई है, वाई वाई मल्टीप्लाई भाई भाई मल्टीप्लाई हो गया नॉन लीनियर, ये वाला है क्वेश्चन में नॉन लीनियरिटी बताई है। एनी हाउ नाइन्थ का करा रहा हूँ, कोई भी एक पार्ट करा लो, फर्स्ट सेकंड थर्ड फर्स्ट ही करा लेता हूँ, सब एक जैसे नाइन्थ का फर्स्ट करो तुम ट्राई, इतना तक मैं कराता हूँ। y इक्वल्स टू किसी भी तरीके से एलिमिनेट कराना होता है, बहुत तरीके होते हैं, जैसे मर्जी करो क्रॉस मल्टीप्लाई 312 जो मर्जी लगाओ जो आपको, यहाँ दो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है कैपिटल ए कैपिटल बी, इज नॉट आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, कल बात हो चुकी थी याद करो, पीछे बुक में देख लो आंसर ई में छोड़ा हुआ होगा, तो ई आर्बिट्रेरी कांस्टेंट नहीं है। हियर कैपिटल ए कैपिटल बी आर टू आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, ना दो से ज्यादा ना दो से कम बार डिफरेंशिएट, मेरा तो मन कहता है मैं सीधा कर दूं डिफरेंशिएट सॉल्यूशन, फिर भी कुछ अच्छे बच्चे बैठे होते हैं उसके कारण मुझे सारा करके दिखाना होता है। e पावर 2x डी बाई डी एक्स e पावर 3x डी वाई बाई डी एक्स ए है, e पावर 2x log ऑफ e डी बाई डी एक्स ऑफ 2x e पावर 3x log ऑफ e डी बाई डी एक्स ऑफ 2x, तो ये आ जाएगा a e पावर 2x log e 1 2x की 2 b e पावर 3x log e की 1 3x की, ये कितना आ जाएगा 2 a e पावर 2x 3 b e पावर 3x, ये एक बार डिफरेंशिएट कर दिया। अब मैं सीधा कर रहा हूं आप लोग कुछ सोचें, अगेन डिफरेंशिएट करा लो विद रिस्पेक्ट टू x, ऐसे ही करा लेना, पर इस बार मैं थोड़ा सीधा कर रहा हूं, फॉर a e पावर 2x 9 b e पावर 3x, अब मुझे सॉल्व करना है आपकी अपनी मर्जी है, जैसे मर्जी आप सॉल्व करो, यहां से a निकाल लो यहां पुट करा दो, यहां से b निकाल लो a और b की वैल्यू 1 में पुट करा दो, जैसे मर्जी करो, मैं ऐसे सॉल्व कर रहा हूं आपको जैसे ठीक लगता है वैसे करो, सॉल्व करा रहा हूं 1.2 मैं ऐसे सॉल्व कर रहा हूं, टेंथ की तरह सॉल्व कर दूंगा डी वाई बाई डी एक्स पर 2 लिख रहा हूं, 2 ए पावर
टू ए ई बम थ्री ई बी बम इक्वल्स टू डी वाई बाई डी एक्स, और ये कितना आएगा ए ई बम बी ई बम इक्वल्स टू वन। इसको टू से मल्टीप्लाई कर दूं, माइनस करा दो, ऐसे ही करना है, मैंने ये नहीं कहा मैं ऐसे करो, मैं ये बोल रहा हूं। तो ये आ जाएगा टू अंदर जाएगा बी ई पावर थ्री एक्स डी वाई बाई डी एक्स माइनस टू वाई, यहां से बी निकल जाएगा y e पावर 3x, फिर अगेन सॉल्व करा लो बाकी दो को, अगेन सॉल्व करा लो 2, 3 ले आओ 2 ये रहा 3 ये रहा 4 e पावर, पहले 3 लिखा 9 b पावर इक्वल टू d2y by dx के, फिर आ जाएगा 2ae पावर 3be पावर, फिर क्या आ जाएगा dy/dx। इसको किससे मल्टीप्लाई करा लो, फिर से 2 से 4ae पावर 3x को माइनस करो, 9 में से 6 गया 3be पावर 3x, फिर ये क्या बच जाएगा सोचो d2y/dx क्या माइनस टू टाइम डी वाई बाई डी एक्स, यहां से बी निकालो या इस बी की वैल्यू यहां पुट करा दो, एक ही बात है, दिस इंप्लाई यहां से बी निकाल रहा हूं, यहां से बी बी इक्वल टू डी टू वाई बाई डी एक्स के टू डी वाई बाई डी एक्स बाय थ्री ई पावर थ्री एक्स, दोनों को कंपेयर करो 4 और 5 को, ये भी b में निकाल दिया b बात एक से b, मैं यहां से भी b निकाल के कंपेयर करा दूं 4, 5 dy/dx कंपेयर करा लो 4, 5 को, तो ये क्या आएगा b का फोर्थ का b dy/dx माइनस 2y/3x, और इसका कितना आएगा d2y/dx क्या 2dy/dx 3e पावर 3x, ये कट जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, d2y/dx क्या क्रॉस मल्टीप्लाई कर, ऐसे मैंने तो ऐसे निकाला, अपनी अपनी चॉइस है किसी को किस तरह से अच्छा लगता है, किसी को कोई बच्चा यहाँ से बी निकाल लिया फिर इसको सॉल्व करके ए भी निकाल लेता है, ए और बी की वैल्यू यहाँ पुट करा देता है, वो आपकी चॉइस है, मैंने दोनों से बी निकाल लिया, पहले 1, 2 को सॉल्व किया तो भी 2, 3 को, कई बच्चे 1, 2 को सॉल्व करते हैं बी निकालते हैं फिर दोबारा 1, 2 को सॉल्व करके ए निकाल लेते हैं, ए और बी को थर्ड में पुट करा देते हैं, वैसे कर लो, मैंने दोनों से बी निकाला, दोनों को कंपेयर प्लस टू में कंपेयर पता ही होता है, 10th करा लो, फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑल द लाइंस, बाकी बुक अपने पास रखो ताकि पता हो क्वेश्चन में क्या लिखा है, ऑल द लाइंस इन एक्स वाई प्लेन, जितनी भी एक्स वाई प्लेन में होंगी, ये एक्स प्लेन है या वाई प्लेन, 1 पॉइंट फॉर्म 2 पॉइंट फॉर्म कई लाइनें होती है, तो सॉल्यूशन है इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन निकालनी है, ये आते हैं आपके पास लाइनें, तो कई तरीके से अपना सकते हो, थीटा होता था स्लोप एंगल, वाई इंटरसेप्ट होता था सी, या एक्स अपॉन एक्स इंटरसेप्ट वाई अपॉन वाई इंटरसेप्ट इक्वल टू 1 भी लगा सकते हो, जो लाइन आपको याद हो, वी नो दैट इक्वेशन ऑफ लाइन इन एक्स वाई प्लेन में
क्या होगी, y इक्वल टू एम एच प्लस सी। एम और सी आर्बिटरी कॉन्स्टेंट है जो चेंज होते रहेंगे। एम होता है स्लोप, याद करो टेन थीटा, सी होता है वाई इंटरसेप्ट, आर आर्बिटरी कॉन्स्टेंट। ये चेंज होंगे, देख लो आप दो तीन डायग्राम में, थीटा हर किसी का सेम नहीं होगा, अलग अलग होगा। मान लो आपने ये लाइन में ही थीटा ये है, कोई बच्चा ये लाइन भी तो बना सकता है, बिल्कुल बना सकता है, उसका थीटा क्या जाएगा सोचो जरा, उसका थीटा जो जाएगा, उसका ये बना थीटा ये जाएगा, इसमें थीटा ऑब्ट्यूस है, इसमें थीटा एक्यूट है, उसका वाई इंटरसेप्ट ये, इसका वाई इंटरसेप्ट ये, वाई इंटरसेप्ट भी चेंज होते रहेंगे। कोई बच्चा लाइन ऐसे बना देगा तो थीटा उसका ये आ जाएगा, वाई इंटरसेप्ट उसका ये आ जाएगा, तो दोनों वेरी करें, वाई इंटरसेप्ट भी आगे पीछे हो सकते हैं। जैसे एक लाइन में दिखाऊं तो ये आ गया एक लाइन, ये इसका स्लोप आएगा, ये इसका वाई इंटरसेप्ट आएगा, फिर ऐसे बना दो तो इसका स्लोप चेंज हो गया, थीटा चेंज हो गया और वाई इंटरसेप्ट भी चेंज हो गया, पहले यहाँ से यहाँ तक था, यहाँ से अब यहाँ हो गया, तो वाई इंटरसेप्ट भी छोटा बड़ा हो सकता है, लाइन के ऊपर डिपेंड करता है। लाइन ऐसे बना दो, स्लोप अलग आ गया वाई इंटरसेप्ट, तो दोनों वेरिएबल हेयर एम कॉमा सी आर टू आर्बिटरी कॉन्स्टेंट, कितने हैं टू आर्बिटरी कॉन्स्टेंट। तो अब क्या कराओगे, डिफरेंशिएट कराओगे, कितनी बार, दो बार कराओगे, 12th लिख रहा हूं, जब तक आप इसको करा लो 12th क्वेश्चन। एम और सी दो आर्बिटरी कॉन्स्टेंट है, लाइन अलग अलग बनेंगी, सी चेंज होता रहेगा। कोई बच्चा लाइन ऐसे बना दे तो स्लोप एंगल होता है दिस, एम होता है टेन थीटा, पर नीचे चला गया तो वाई इंटरसेप्ट होता है माइनस सी, तो ये चेंज होता है, समझ गए। इसमें एक डायग्राम बना के दिखाऊं, तो इसलिए ये आर्बिटरी कॉन्स्टेंट होते हैं। अगर नहीं समझ आता तो एक डायग्राम में फाइनल बना रहा हूँ, देखो एक तो ये तो रखी हो, कराओ डिफरेंशियल, मेरे क्या देख रहे हो, अगर समझ आ गया जिसको, नहीं आ रहा तो ये दो तीन लाइनें बना लो, एक दो तीन, बहुत है, सबका थीटा भी अलग आ रहा है और वाई इंटरसेप्ट भी सबका अलग आ रहा है, डिफरेंशिएट करा दो वन को से टू एक्स से। डी वाई बाई डी एक्स, एम एक्स की वन सी की जीरो, अगेन डिफरेंशिएट करा दो, आंसर आ गया, क्यों, एम भी खत्म सी भी खत्म, कुछ नहीं हटाने की जरूरत पड़ी। फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ सर्कल हूज रेडियस इज आर यूनिट्स। रेडियस गिवन है, जो गिवन होता है वो कांस्टेंट होता है, 8.6 मैक्सिमम मिनिमम ने सिखा दिया था हमारे को 12th में। फाइंड करो इक्वेशन ऑफ सर्कल, फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ सर्कल, सारी फैमिली बना दी है, फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ सर्कल विद रेडियस, गिवन दिया हुआ है, क्वेश्चन में दिया हुआ है, जो गिवन है वो कॉन्स्टेंट है, फिक्स्ड है, वो सारे सर्कल बनाओ जिनका रेडियस आर होगा, बना देंगे। एक सर्कल ये ले लो जिसका रेडियस आर ले लो, एक सर्कल यहाँ से रख लो जिसका रेडियस आर रख लो, कितने सारे सर्कल बन जाएंगे जिनका रेडियस आर होगा, बहुत सारे बना सकते हो, पर सब में देख रहे हो सेंटर सबका अलग है, तो सेंटर चेंज हो सकता है बिल्कुल, पर रेडियस चेंज नहीं कर सकते, सेंटर तो आप चेंज कर सकते हो बिल्कुल, तो कौन सा बना लो, कोई भी एक बना के अपना सॉल्यूशन लिख लो। ये लो रेडियस आर है, सेंटर कितना ले लो एच कॉमा पी, लेट सेंटर का सर्कल भी एच कॉमा पी एंड गिवन रेडियस
इक्वेशन ऑफ सर्कल याद करो, कल भी रिवाइज कराई है, प्लस वन में पड़ी हुई है सारी। एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर, वाई माइनस के का होल स्क्वायर। थ्री आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट ही दो है, क्योंकि आर गिवन है इसलिए कॉन्स्टेंट है। जो चीज गिवन होगी वो कॉन्स्टेंट होती है, इट इज कॉन्स्टेंट। हेयर आर इज कॉन्स्टेंट लिख देता हूँ, हेयर एच कॉमा के आर टू आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट एंड आर इज गिवन है, आर जो है क्वेश्चन में गिवन है पढ़ लो, सो कॉन्स्टेंट है, इसलिए आंसर में आर आ सकता है पर एच और के नहीं आ सकते। आंसर में पीछे देख लो, जो आर आ सकता होगा, क्यों ये कॉन्स्टेंट है, एच के नहीं आएगी, तो दो आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट दो बार डिफ्रेंशिएट करना है। करके दिखा रहा हूँ, आप भी करो इस क्वेश्चन करो जरा, तब तक मैं 14 क्वेश्चन लिखूं। ये रेडियस फिक्स है, ये डायग्राम गलत है, अगर आप मुझे बनाओगे तो इस क्वेश्चन में, इसी क्वेश्चन में मान लो आपने ये बना दिया, बे बच्चे ने आर ये बना दिया, ये बना दिया, ये बना दिया, ये डायग्राम गलत है, क्योंकि इनके सेंटर तो ठीक हैं पर इनके रेडियस छोटे बड़े हैं, इसका छोटा है, इसका बड़ा, इसका सबसे बड़ा मीडियम, ये गलत है। रेडियस एक जैसे होंगे, इक्वल इक्वल मतलब सेम साइज के सर्कल बनेंगे, सर्कल मस्ट बी ऑफ सेम साइज बिकॉज रेडियस इज फिक्स, सर्कल मस्ट बी ऑफ, ये फर्क है दोनों में, मस्ट बी ऑफ सेम साइज बिकॉज रेडियस इज कॉन्स्टेंट, रेडियस इज फिक्स्ड कॉन्स्टेंट। कराओ जरा तुम, तब तक मैं अगला क्वेश्चन की स्टेटमेंट लिखूं, देखो आपसे आंसर आता है कि नहीं आता, जो बच्चे पूछते हैं डाउट में, क्या आप भी पूछ रहे हो इसकी सॉल्यूशन डिफरेंशियल इक्वेशन का। देखो 14th फैमिली मतलब एक से ज्यादा, तो इससे ज्यादा सर्कल बना सकते हैं। फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ सर्कल इन द सेकेंड क्वाड्रेंट, टचेस फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ सर्कल इन सेकेंड क्वाड्रेंट, टचेस द क्वाड्रेंट एक्सिस। क्वाड्रेंट एक्सिस का मतलब क्या होता है, means x-axis and y-axis, चलो कराओ जरा इसको डिफ्रेंशिएट कराओ, आंसर देखो बनता है आपसे तो मैं बनवा। इसको फर्स्ट मान, तीन बार मत करना, दो बार करना, कराओ जरा। डिफरेंशिएट करा दो वन को विद रिस्पेक्ट टू एक्स से, तो ट्वाइस ऑफ एक्स माइनस एच डी वाई डी एक्स ऑफ एक्स माइनस एच, ट्वाइस ऑफ वाई माइनस के डी वाई डी एक्स ऑफ वाई माइनस के डी वाई डी एक्स ऑफ आर स्क्वायर। तो टू तो वैसे कॉमन ही आ रहा है, उधर ही चला जाएगा x माइनस एच वाई माइनस के डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू जीरो, तो टू भी खत्म कर दो, या आ गया x माइनस एच। दोबारा डिफरेंशिएट करा लो, दो बार तो कम से कम कर ही सकते हो, अगेन डिफरेंशिएट करा लो, x माइनस एच की क्या होगी, वन फर्स्ट सेकेंड लगेगा, फर्स्ट डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट। तो यहां से y माइनस के निकाल रहा हूं, ये आ गया दूसरी बार डिफरेंशिएट करके,
तो वाई माइनस के निकाल रहा हूँ, इसको भी इस तरह ले जाके और इसको भी, माइनस वन माइनस डी वाई बाई डी एक्स का हो सके। यहाँ से वाई माइनस के पूरा ही निकाल लो, के क्या करोगे वाई माइनस के ही निकाल लो, तो वाई माइनस के की वैल्यू आ जाएगी माइनस वन, क्योंकि आर्बिट्रेरी कांस्टेंट खत्म नहीं हुआ, इसको थर्ड माने ना डिफरेंशिएट करने के बाद, डी वाई बाई डी एक्स का हो सके जिससे आंसर नहीं आता, अपॉन डी टू वाई बाई डी एक्स क्या माइनस बार कॉमन ले लो, यह आ गया वाई माइनस के। चलो इसको मान लो था y माइनस के पूरा ही निकाल देना डिफरेंशिएट करके, पहली बार डिफरेंशिएट किया हाँ कितना है ये है, क्वेश्चन कितना दिया हुआ है ये दिया हुआ, एक बार डिफरेंशिएट करके पूरा दिखाया ये आया हुआ, दोबारा डिफरेंशिएट किया है, इसमें यू भी लगा फर्स्ट डिफरेंस सेकंड सेकंड डिफरेंस फर्स्ट, तो यहां से मैंने किसकी वैल्यू निकाल दी y माइनस के की। अब इस y माइनस k की वैल्यू को यहाँ पुट करा दूंगा तो x माइनस h की वैल्यू आ जाएगी, k और h ही तो डाने हैं यहाँ पे, h और k पढ़े हैं पढ़े हैं, फिर डिफरेंशिएट किया है h और k पढ़े हैं नहीं, k तो पढ़ा है, k तो डालना पड़ेगा, पुट करा दो तो ये पूरे का पूरा ऐसे कैसे हटा दिया, यहाँ पुट करा लो y माइनस k को फ्रॉम 3 से इन 2 में पुट करा दो, यही लिख देता हूँ y माइनस के को फ्रॉम 3 से इन 2 कराओ जरा, अब देखो यहां से x माइनस h आ जाएगा आपका, करा दो जरा वैल्यू पुट करा दो 2 में करा दो, तो यह आ जाएगा x माइनस एच वाई माइनस के की वैल्यू ये बढ़ेगी 1 प्लस वन प्लस डी वाई डी एक्स का होल स्क्वायर अपॉन डी टू वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर, y माइनस के की वैल्यू पुट कराइए इनटू क्या लगेगा निकाल लो जरा वैल्यू y माइनस के की वैल्यू निकाल के आप पुट करा दो, x माइनस h y माइनस के की सारी वैल्यू रख दी मैंने देखो, इनटू क्या लगा हुआ था सोचो, इनटू लगा हुआ था dy बाय dx, ये रखा हुआ dy बाय dx, इसको इधर ले दो तो कितनी वैल्यू आ जाएगी सोच लो, x माइनस h की वैल्यू आ जाएगी अब करा दो पुट वैल्यू किसकी, x माइनस h y माइनस k की वैल्यू पड़ी, x माइनस h की वैल्यू पड़ी है 1 में पुट करा देना तब खत्म होगा जाके, ऐसे था तभी बच्चे पूछते थे डाउट के लिए हर साल पूछते, तो ये मैंने पुट करा दिए थर्ड से और ये है फोर्थ से, थर्ड थी ना, पुट करा दो y माइनस के फ्रॉम 3 से, x माइनस h फ्रॉम 4 से, कहाँ पुट कराओगे इन वन में, इन कहाँ करा दोगे वन में करा, आंसर करा दो चलो, x माइनस h का होल स्क्वायर तो इसका होल स्क्वायर करो, y माइनस k का होल स्क्वायर तो इसका होल स्क्वायर होगा इक्वल टू r स्क्वायर, आंसर तक पहुंचा देता हूं, इसमें पुट कराने हैं, इसमें 1 क्या है 1 में पुट कराओ, 1 क्या है x माइनस एच का होल स्क्वायर y माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू कराओ जरा,
देखो पीछे से आंसर मैच करके हो रहा है कि नहीं। करा दो एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर वन प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर। y माइनस के का होल स्क्वायर मेरा y माइनस के। दोनों का एलसीएम ले लो, वो तो चला जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई से। दोनों का एलसीएम लेके इधर ले जाओ, कितना बचेगा वन प्लस डी वाई बाई डी एक्स होल स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स का भी होल स्क्वायर प्लस नेगेटिव का स्क्वायर पॉजिटिव वन प्लस इक्वल्स टू, ये दोनों इधर चले जाएंगे। सोचो एलसीएम से, देखो समझ आता है कि नहीं आता। डी टू आई बाई डी एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर आपके पास कुछ कॉमन आता है दोनों में से, इन दोनों का एलसीएम सेम बनेगा। सेम सोचो क्या आएगा इसका एलसीएम, डी टू आई बाई डी एक्स स्क्वायर नहीं, डी टू आई बाई डी एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर बनेगा। ऊपर स्क्वायर भी तो पड़ा है, इसका भी यही बनेगा डी टू आई बाई डी एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। इन दोनों को इधर ले जाना तो वही लिखेगा, फिर इसका स्क्वायर कर दिया वन प्लस डी वाई डी एक्स का होल स्क्वायर का स्क्वायर, ये पड़ा है डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर, ये पड़ा माइनस का स्क्वायर पॉजिटिव कर दिए, नेगेटिव का स्क्वायर तो पॉजिटिव ही होता है, ऊपर स्क्वायर पड़ा है सारे के ऊपर टू पड़ा है तो नेगेटिव का स्क्वायर पॉजिटिव वन प्लस डिवाइड इसका स्क्वायर का स्क्वायर, तो कॉमन ले लो जो कॉमन आता है, तो क्या कॉमन आएगा वन प्लस डी वाई बाई डी एक्स के स्क्वायर का स्क्वायर कॉमन आ गया। बचेगा क्या इंदर, जो कॉमन आता है दोनों से कॉमन लो, कॉमन कॉमन दिखा रहा हूं, जो कॉमन आता है कॉमन लो। तो कितना कॉमन आ रहा है दोनों में से सोचो, यहां से यहां से वन प्लस डी वाई बाई डी एक्स का स्क्वायर कॉमन आ रहा है, कॉमन बचेगा कितना डी वाई बाई डी एक्स का स्क्वायर प्लस वन बचेगा। अगर सोचो तो अब मिलाओ जरा बुक से आंसर अपने, आर में आंसर आ रहा है क्योंकि आर कांस्टेंट है, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट नहीं है, बेस सेम है दोनों के, पावर ऐड हो जाएंगे क्यूब बन जाएगा। अगर सोच लोगे तो बस बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएंगे क्यूब बनेगा इसका। यह आ गया वन प्लस डी वाई बाई डी एक्स के होल स्क्वायर का स्क्वायर, वन प्लस डी वाई बाई डी एक्स के होल स्क्वायर, दोनों का क्या सेम है बेस सेम है, सो पावर क्या कर दोगे या आ जाएगा आर स्क्वायर, बेस सेम पावर एड करो, टू प्लस वन थ्री, ये आया आपका आंसर। चल चल करो इसको अगला, पीछे देख लो, तो इसीलिए मैंने कराया, वहां से x माइनस h निकालना था, यहां से उधर से y माइनस k, तो x माइनस h को पूरा ही पुट करा देना और y माइनस k को पूरा, यहां से h k निकालने के चक्कर में पड़ोगे तो और लेंथ ही रहेगा, बस x माइनस h पूरा ही निकाल दो, एक ही बात है, बाद में तो खत्म हो ही रहा है।
16th है, बनाओ जरा इक्वेशन। फिर मैंने कॉमन लिया, जो कॉमन आया ये रहा मेरा कॉमन, बेस सेम पावर ऐड होगी, क्यूब था। फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ सर्कल, ये भी वही कह रहे हैं, फाइंड करने है डिफरेंशियल इक्वेशन है फैमिली ऑफ सर्कल्स, एक से ज्यादा होंगे विद कांस्टेंट रेडियस, ये नहीं बताया कितना, 2-3 ये नहीं बताया, 2 सेंटीमीटर 3 बस कोई भी मान लो, के मान लो, आर मान लो, ये एंड हैविंग सेंटर ऑन वाई एक्सिस, बनाओ जरा। और सेंटर किस पे आएगा, वाई एक्सिस पे, बनाओ अपने आप सर्कल की क्वेश्चन। 18th लिख रहा हूँ, बनाओ जरा अगला क्वेश्चन लिख रहा हूँ, जिसका रेडियस कांस्टेंट है, आर मान लेना, के मान लेना, पर कांस्टेंट मानना, और रेडियस कांस्टेंट बट सेंटर वाई एक्सिस पे, या वाई एक्सिस पे ध्यान रखना, सेंटर वाई एक्सिस पे, रेडियस कांस्टेंट, सेंटर वाई एक्सिस पे। इससे पहले नहीं दिया बेटा, 14 तो कराए थे इससे, चलो इसके बाद कर दूंगा, 14 द्वारा लिख देता हूँ, ये तो इसी में मैंने सॉल्व करने लग गया था, 14 की अब इक्वेशन लिखवा देते हैं, इसके बाद पहले 16 का कर लो। बनाओ 16 की, जितनी तुम्हारे को पता होगी, सर्कल पता ही है, फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन, फैमिली ऑफ सर्कल, इन सेकंड क्वाड्रेंट, एंड टचेस कोऑर्डिनेट एक्सिस, कोऑर्डिनेट एक्सिस कौन सी होती है, एक्स एज वेल एज वाई एक्सिस, फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ सर्कल विद कांस्टेंट रेडियस एंड हैविंग सेंटर ऑन वाई एक्सिस पे, तो बना लेते हैं डायग्राम, रेडियस कांस्टेंट, अपने रेडियस एक जैसा होना चाहिए, पहले इसका बना रहा हूं, और सेंटर किस पे रखा हुआ है, वाई एक्सिस पे, तो सेंटर वाई एक्सिस पे, अपने सेंटर वाई एक्सिस पे, रेडियस कांस्टेंट होगा, तो ऐसा कोई भी डायग्राम बना लो, ऐसा कोई भी डायग्राम, ये नहीं बना सकते, कौन सा सेंटर, तो आपने वाई एक्सिस पे हो, इसका सेंटर किस पे रख दिया मैंने, एक्स पे, पर सेंटर क्या बोला हुआ इसने, वाई एक्सिस पे बोला हुआ, सॉरी ये बनेगा सेंटर वाई एक्सिस पे, और रेडियस कांस्टेंट रखना, तो कोई भी डायग्राम बना, ये सारे ठीक है, कोई भी एक बना लो इसमें से, कहीं से बना लो, पर सेंटर किस पे रखना, वाई एक्सिस पे, पर ये डायग्राम गलत है जो इधर बना रहा हूँ, इधर भी मैंने सेंटर वाई एक्सिस पे ही रखा है, पर रेडियस फिक्स छोटा बड़ा कर दिया है, ये गलत है, ये ठीक है, कोई भी ना, क्यों, रेडियस कांस्टेंट है, एक जैसा रेडियस रखना, एक जैसा, समझ रहे हो, रेडियस छोटा बड़ा मत करना, सर्कल का साइज एक जैसा रखना, छोटे बड़े मत कर देना, तो क्या होगा इसका, सोचो जरा, फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन सर्कल विद कांस्टेंट, तो रेडियस कितना मान लो इसका, कोई मान लो, लेट आर बी द कांस्टेंट रेडियस एंड सेंटर कितना आ जाएगा, सोचो इसका, ऑन वाई एक्सिस के ऊपर है, कोई भी एक ले लो, तो ऑब्वियसली ये ओरिजिन है, ये सेंटर से रेडियस आर है, तो ये भी तो कोई ना कोई डिस्टेंस होगा, सोचो जरा,
ये जो सेंटर का डिस्टेंस है ये भी तो कोई ना कोई होगा, ये a मान लो, तो 0.a बिट सेंटर मान लो, ये डिस्टेंस होगा कि नहीं होगा ये सोचना जरा। ये तो यहाँ बना देता है एक डायग्राम, यहाँ पे इसका तो नहीं है, ये इसी का बनाना है मुझे। कोई भी इनमें से एक सर्कल उठा लो, कोई भी जो तुम्हें ठीक लगता है, चाहे नीचे वाला डालो चाहिए चाहिए ये उठा लिया, मान लिया आपने सर्कल, सेंटर इसका कितना है नहीं पता, है किस पे वाई एक्सिस पे, रेडियस पता है हाँ पता है, कितना लिया रेडियस आर, लेट आर बी द कांस्टेंट रेडियस लिए, एंड सेंटर किस पे रखना है, तो ये डिस्टेंस कितना होगा आर, तो होने से रहा आर तो इतना है, तो ये डिस्टेंस तो होगा कुछ ना कुछ, ये डिस्टेंस कितना है बताओ, ये वाला k मान लो, a मान लो, b मान लो, h मान लो, मैंने a मान लिया, तो सेंटर कितना होगा बताओगे, 0, a। क्या a आगे पीछे हो सकता है, क्या ये वाला डिस्टेंस आगे पीछे हो सकता है, सोचो हो सकता है, सोचो यहाँ a इतना है, यहाँ a इतना है, यहाँ a नीचे की तरफ गया हुआ है, क्या r आगे पीछे हो सकता है, सोचो, तो इसका मतलब कौन आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, सिर्फ a, तो a इज द क्या आएगा, ओनली आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, सेंटर क्या आया y एक्सिस पे, तो लेट क्या मान लिया 0, a, तो इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या आ जाएगी, सोच लो इसमें इक्वेशन ऑफ सर्कल, तो इसकी इक्वेशन ऑफ सर्कल जो होती है वो क्या थी, इक्वेशन ऑफ सर्कल विद सेंटर 0, y y एक्सिस पे है एंड कांस्टेंट रेडियस, कांस्टेंट का मतलब नॉट आर्बिट्रेरी कांस्टेंट r, तो इक्वेशन होती है x माइनस h का जो लिखवाई है कल के लेक्चर में इक्वल टू रेडियस का होल स्क्वायर, h है आपके पास, हाँ कितना है h, 0, k कितना है, तो क्या आ जाएगी बताओगे, x माइनस 0 का होल स्क्वायर y माइनस a का होल स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर, कितनी बन गई सोचो जरा, x का स्क्वायर y स्क्वायर a स्क्वायर 2ay r स्क्वायर, कितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, Here a is the only arbitrary constant. सब a की arbitrary constant है। Equation of circle with center 0a and constant radius दे दिया गया है r, x minus h का whole square, y minus k का whole square equal to radius का square. x का स्क्वायर y माइनस a का स्क्वायर r स्क्वायर, अगला करो, समझ गयो, सेंटर मैंने क्या लिया है 0, a बिट सेंटर दे दिया, अगला करो 18, तो इसमें ये चीज चेंज हो रही है, डिस्टेंस ऊपर नीचे कर सकते हो पर रेडियस चेंज नहीं कर सकते, रेडियस एक जैसा रखना, ऊपर नीचे डिस्टेंस को कर सकते, 18 तो h की जगह 0, k की जगह a, थोड़ा इसको सॉल्व करना, a इज नॉट r को मत हटाना, ट्राई है इसके बाद आर्बिट्रेरी कांस्टेंट को हटाना आपने, अगला करो 14 की इक्वेशन, इक्वेशन बनवाया था 18 है, पैराबोला है, फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ पैराबोला हैविंग वर्टेक्स एट ओरिजिन, एंड एक्सिस अलोंग पॉजिटिव डायरेक्शन, एंड एक्सिस अलोंग पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, फॉर्म द डिफरेंशियल फैमिली ऑफ सर्कल्स है, सेकंड क्वाड्रेंट में टचेस द कोऑर्डिनेट एक्सिस है एक्स और वाई एक्सिस, अगर कोई 14 क्वेश्चन की बात एक बार दोबारा करूं, कोई का बच्चा ऐसे पूछता है कई बार कि सर क्या नीचे ले सकते, ले सकते थे, तो रेडियस कितना रहेगा वो तो फिक्स रहेगा, सेंटर क्या हो जाएगा नीचे 0, तो सर 0, माइनस ए लेके नहीं कर सकते, सेंटर 0, माइनस ए आ जाए,
एंड रेडियस आर आगे ले सकते हैं। तो क्या आएगी इक्वेशन, x माइनस जीरो का होल स्क्वायर वाई प्लस ए का होल स्क्वायर आ जाएगा, क्योंकि एच अब ये के ए बन जाएगा इक्वल टू आर स्क्वायर। सर तो इक्वेशन चेंज नहीं आ जाएगी, बिल्कुल भी नहीं आएगी, करके देख लेना कैसे कर सकते हैं, किसने पूछना है। यस, क्योंकि सर्कल ऊपर भी रख सकते हो एक्स एक्सिस से और नीचे भी रख सकते हो, सेंटर कहाँ ले सकते हो जीरो कॉमा ए भी रख सकते हो और जीरो कॉमा, तो आपकी मर्जी है, कोई प्लस ए लेना चाहता है प्लस ए ले ले और कोई माइनस ए लेगा माइनस ए। डिफरेंशियल इक्वेशन वो सेम बनेगी, इसकी इक्वेशन में माइनस टू ए वाई दिखेगा तुम्हें, यहाँ पे प्लस का टू ए वाई, पर डिफरेंशियल इक्वेशन दोनों से ट्राई करना सेम बनेगी। अगर कोई कुछ कहना, अगर कोई कहना चाहता है ऊपर भी रख सकते हो नीचे भी, तो मैंने डायग्राम बनाए थे आपको, चाहे ऊपर रख लो चाहे यहाँ रख लो चाहे नीचे रख लो, तो यहाँ पे कितना आएगा जीरो कॉमा ए वेरी करता है, ए में भी माइनस ए लेना है तो ले लीजिए और ऐसे भी रख सकते हो। एनी हाउ सेकेंड क्वांट में क्या निकालनी है, सेकेंड क्वांट में सर्कल की इक्वेशन जो टच करेगा किसको बोला एक्स और वाई एक्सिस को, तो चलिए ये टच कर रहे हैं, इसका रेडियस नहीं गिवन नहीं गिवन, तो कितने सारे सर्कल बनेंगे इसका रेडियस नहीं गिवन, पढ़ो जरा ऊपर पिछले वाले में रेडियस क्या था फिक्स था, तो इसके काफी सारे सर्कल बन सकते हैं बिल्कुल, कैसे ये देखो ये एक्स है ये वाई है, ये क्या आएगा ओरिजिन, ये देखो इसको टच कर लो फिर इसको टच कर लो फिर इसको टच कर लो, मतलब रेडियस अलग अलग हो सकते हैं बिल्कुल, टच दोनों कर रहे हैं सेकंड पॉइंट में, तो कितने सर्कल बन सकते हैं जितने मर्जी बना लो, ये सर्कल दोनों को टच कर रहे हैं, हाँ एक्स और वाई को टच कर रहे हैं, ये एक सर्कल कोई बच्चा बनाता है तो वो दोनों को टच कर रहा है कर रहे हैं, कोई बच्चा ऐसे डायग्राम बना सकता है बना सकता है, ये सारे ठीक है, क्यों रेडियस कॉन्स्टेंट कहाँ दिया हुआ है, बस ये बताया सेकेंड पॉइंट में होना चाहिए। तो क्या मान लो, लेट आर बी द रेडियस मान लो सर्कल, या ए मानना है मान लो, तो सेंटर क्या आएगा सेकंड क्वाड्रेंट में, सोचो सेंटर दोनों को टच कर रहा है तो माइनस ए कोमा या माइनस आर कोमा आर उसका सेंटर हो जाएगा, मान लो रेडियस ए, देयरफॉर सेंटर क्या आ जाएगा सोचो माइनस ए कोमा, क्योंकि एक्स को भी टच कर रहा है ये वाई को भी टच कर रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट में एक्स क्या होता है नेगेटिव वाई क्या होता है पॉजिटिव, तो निकाल सर्कल की इक्वेशन, ये सारे सर्कल ठीक है ये सारे डायग्राम ठीक है, therefore equation of circle with center सोचो माइनस ए कॉमा, इस बार रेडियस कॉन्स्टेंट नहीं आर्बिटरी कॉन्स्टेंट है, क्योंकि इस बार रेडियस गिवन नहीं है, पढ़ लो क्वेश्चन में पढ़ लो रेडियस गिवन नहीं दिया हुआ कहीं पे भी, तो क्या आती है बेटा इक्वेशन x माइनस एच का y माइनस ए का रेडियस का, एच कितना है इसमें बताओ माइनस ए, के कितना है और रेडियस कितना है, तो क्या लगे बताओ एक्स प्लस ए का वाई माइनस ए का इक्वल्स टू क्या दे दो रेडियस का, कितने आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट है, हियर ए इज ओनली आर्बिट्रेरी x, h की जगह क्या लगा दो बताओ माइनस ए, k की जगह a, तो रेडियस का होल स्क्वायर ट्राई है, एक बार ही डिफरेंशिएट कर लेना, ब्रैकेट खोल के करोगे तो ज्यादा आसान हो जाएगा, बनाओ जरा एक ही ट्वेंटी ट्राई कर लीजिएगा, स्क्वायर खोलना खोल लीजिए ए स्क्वायर टू एक्स वाई स्क्वायर, ये चाहिए तो आपको ए की है तो एक बार डिफरेंशिएट कर वो तो आसान है, तो कर लो पैराबोला की इक्वेशन पे, फाइंड द हाइपरबोला फोकाई ऑन एक्स एक्सिस दिया हुआ है, फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन फैमिली ऑफ हाइपरबोला है फोकाई ऑन दिया हुआ है, फोकाई दिया हुआ ऑन
एक्स एक्सिस के ऊपर, एंड सेंटर ओरिजिन पे। पहले ये बनाइए फिर उतना। डिफरेंशियल के सुनानी है, फैमिली ऑफ पैराबोला हैविंग वर्टेक्स एट ओरिजिन, x इज अलोंग द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस, ये x की पॉजिटिव डायरेक्शन है, वर्टेक्स ओरिजिन पे दिया हुआ है, तो क्या बनेगा, कंडीशन क्या रिप्रेजेंट करती है, सॉल्यूशन, कंडीशन रिप्रेजेंट RHP, राइट हैंड पैराबोला, लेट a कॉमा जीरो बिट्स फोकस मान लो, s क्या मान लो, a कॉमा जीरो। सो इक्वेशन ऑफ पैराबोला क्या आ जाएगी, सोच लोगे, राइट हैंड पैराबोला की इक्वेशन। सो इक्वेशन ऑफ पैराबोला y स्क्वायर इक्वल्स टू 4a, कितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट इसमें, a इज द ओनली आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, 4 इसका लेटर सेक्टम होता है, ये फोकस होता है, ये इसका लेटर सेक्टम होता था 4 है, ये छोटे बड़े हो सकते हैं बिल्कुल, डायग्राम में जाना है तो इसका डायग्राम ये बना दे, एक ये चला जाएगा, ये भी पैराबोले हैं, ये भी पैराबोले हैं, तो सबके लेटर सेक्टम ये 1.0 है, 4 है, 1.0 है, तो ए चेंज होगा, या सो देख लो आप सबके लेटर सेक्टम अलग अलग आ रहे हैं, इसका लेटर सेक्टम अलग आएगा, इसका लेटर सेक्टम अलग आएगा, तो सबके फोकस भी चेंज होंगे, 1.0 छोटे बड़े हो सकते हैं, एक और डायग्राम बनाए तो ये पे, तो इसका लेटर सेक्टम इतना था, इसका लेटर सेक्टम देखो कितना हो गया, होगा 4 ही, तो ए आगे पीछे हो सकता है, हो सकता है। फोकाई किस पे दिया हुआ है, सिंस फोकाई जो दिया हो किस पे दिया हुआ है, एट x एक्सिस पे, देयरफॉर कौन सा हाइपरबोला बनेगा, सोचो, हॉरिजॉन्टल हाइपरबोला बना दो, सेंटर क्या आएगा, 0 0, देखो क्या इक्वेशन होती है हॉरिजॉन्टल, इक्वेशन ऑफ बनाओ हॉरिजॉन्टल हाइपरबोला, पहले बताइए होगी, फोकाई होता है इसका किस पे दिया फोकस, ये होता है 1.0 अगर भूल गए प्लस 1 में से जरूरत तो नहीं है, -1.0 हॉरिजॉन्टल हाइपरबोला, हॉरिजॉन्टल हाइपरबोला की इक्वेशन x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर क्या होता था, नेगेटिव, हियर a भी आर 2 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, तो हियर कोफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर क्या है, नेगेटिव, सोचो कितनी बार डिफरेंशिएट कराओगे, बस इक्वेशन में बनानी है डिफरेंशिएट। चलिए करिएगा इस एक्सरसाइज को, जो डाउट होंगे पूछना, बाय बाय। वो हॉरिजॉन्टल हाइपरबोला की इक्वेशन है, ये वर्टिकल की है, Tx लिखा हुआ है, ये a है, ये आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, याद करो ये फोकस होता था अलग अलग हो जाएगा, तो a कॉमा जीरो ये होते थे आपके पास, -a,0 a,0 ये चेंज हो सकते हैं बिल्कुल, यहाँ भी बना सकते हो, थोड़ा आगे जो डायरेक्ट्रिक्स को यहाँ भी बना सकते हो, सोचना ये चेंज होते रहते हैं।